एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ग्राउंड ने कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई, वो तो लगेगी, और दूसरी क्योंकि मैंने ब्लॉक को आगे फोर्स अप्लाई की। अब फोर्स अप्लाई बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं तो फोर्स 1000 न्यूटन भी अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं 1 न्यूटन भी कर सकता हूँ, मैं 0.01 भी कर सकता हूँ। अगर मैंने बहुत फोर्स अप्लाई कर दी फिर तो एक्सेलरेट करता हुआ बॉक्स चला जाएगा, और अगर मैंने बहुत कम की तो रेस्ट पे रहेगा। जैसे 0.1 न्यूटन की बहुत ही कम है, अगर मैंने 0.1 न्यूटन की तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या डेवलप हो जाएगी, 0.1 न्यूटन। मान लो बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड थी FS max, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायरमेंट है। FS max का मतलब क्या होता है, FS max की वैल्यू होती क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है FS max की वैल्यू है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या बताती है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को मूव करवाने के लिए, यही फोर्स है। तो मान लो चलो मैंने उतनी ही अप्लाई कर दी, तो अगर मैंने यहाँ फोर्स अप्लाइड के ऑपोजिट में F नहीं लिखा, अगर मैं F लिखता वो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन होती और फोर्स अप्लाइड के इक्वल होती, मैंने क्या लिखा FS max। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैंने अपनी फोर्स अप्लाइड अब इससे ज़्यादा की तो बॉडी अपनी जगह से हिल जाएगी। तो ये लास्ट वैल्यू है फोर्स अप्लाइड की, ताकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो गई। मैं इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो बॉडी हिलेगी, और मैं हिलाना नहीं चाहता, मैं रेस्ट पे रखना चाहता हूँ। तो ये मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये मेरी एक और कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई। लेकिन ध्यान से, मैं फोर्स जानबूझ के उतनी अप्लाई कर रहा हूँ कि जितनी इसको चाहिए हिलाने के लिए, एग्जैक्टली उतनी। तो इनका रिजल्टेंट की अगर बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था N² + FS max का स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की और फ्रिक्शन की। इस रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया नॉर्मल रिएक्शन के साथ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है उसने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपको ये काम कहाँ आएगी यार, मतलब बक्सा पड़ा हुआ है, ये बेंच पड़ा हुआ है, मूव तो करता नहीं, मैं ऐसे इमेजिनरी एंगल बना के करूँगा क्या? तो इसको ध्यान से देखना, अगर नीचे का वेक्टर FS max है तो ऊपर का वेक्टर भी FS max है पैलोग्राम से। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो, ये देखो, इसके मैं मिटा रहा हूँ इस 2 मिनट के लिए सिर्फ दिखाने के लिए, तो ये देखो, तो इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखो तो tan थीटा की वैल्यू बोलो क्या आएगी, FS max डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन, ये कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आ गई, म्यू। म्यू भी लिख सकते हैं या म्यू स्टैटिक भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, म्यू एस स्टैटिक लिखना चाहिए, म्यू एस काइनेटिक नहीं है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। तो आप कहोगे फिर ये क्या हुआ, मतलब tan थीटा म्यू होता है, हाँ tan थीटा म्यू एस होता है। फिर कहो, फिर मैंने सीखा क्या, कोई मुझसे पूछेगा आप क्या सीख के आए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है आपको चाहिए होगा म्यू एस, वो आपको नहीं देगा म्यू एस, वो आपको देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो कहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ले लो 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर 60 डिग्री है, tan ऑफ 60 √3, तो वहां से म्यू एस की वैल्यू आएगी। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली म्यू एस की वैल्यू, वो आपको म्यू एस की जगह क्या देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, ताकि आप म्यूएस खुद निकाल सकें और कोई सिग्निफिकेंस नहीं और कहीं काम नहीं आता। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें और डायग्राम नोट कर लें, मोर देन सफिशिएंट है।